केंद्र सरकार हिमाचल को 2600 करोड़ रुपए के आवंटन से पहले PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रोजेक्ट की समीक्षा करेगी। यह समीक्षा सोमवार को होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोक निर्माण विभाग को इस बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल के सभी अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़ेंगे और प्रदेश का पक्ष रखेंगे। इस दौरान प्रदेश भर से PMGSY पर भेजी गई DPR पर मंथन होगा। सब कुछ सही रहा तो PMGSY में एक बड़े प्रोजेक्ट की सौगात हिमाचल के हिस्से में आ जाएगी और एक महीने में ही PMGSY में यह दूसरी बड़ी सौगात होगी। इससे पहले गुरुवार को PMGSY चरण 1 और 2 में मियाद बढ़ाने का भी फैसला केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र के इस फैसले से हिमाचल के करीब 650 करोड़ रुपए की बचत हुई है। लगातार बर्फबारी और बरसात अधिक होने की वजह से इन प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो पाया था। अभी PMGSY के चरण 1 और 2 में सब कुछ राज्य की उम्मीद के मुताबिक ही हुआ है। अब चरण 3 में बड़ी संभावना सोमवार को होने वाली मीटिंग पर फंसी हुई है। अब तक प्रदेश को केंद्र सरकार से PMGSY में करीब 400 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जबकि 2600 करोड़ रुपए की धनराशि की DPR लोक निर्माण विभाग के अधिकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेज चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल में PMGSY के तीसरे चरण को जल्द लागू करने की मांग रख चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने प्रदेश का दौरा कर PMGSY पर तैयार रिपोर्ट का अध्ययन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।